नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी वर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एट द बी क्लिनिक कानपुर। आइए बात करते हैं, एक हमारे पेशेंट हैं अतुल राठौर जी, जिनकी उम्र 23 वर्षीय है, जिनको 5 सालों से फिशुला की बीमारी थी। उनके लेटिंग के बाहरी रास्ते के पास एक छोटी सी फुंसी बन गई थी, जिससे उनको पस आने की समस्या थी। इसमें खुजली, जलन भी होती थी और हल्का दर्द भी होता था। सुबह सुबह उनका पेट भी ठीक से साफ नहीं होता था। ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया। उनका लगभग हमने 3 महीने तक इलाज किया। आज की डेट में वो अपने आप को 90% तक स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं पेशेंट का फीडबैक। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, राठौड़ जी से बात हो रही है? हाँ सर, मैं बी क्लिनिक होम्योपैथिक कान से बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपकी मेडिसिन चल रही थी। हाँ सर। सर ये फीडबैक कॉल है, कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम कोई नहीं है सर, नॉर्मल है। अच्छा सर, बता पाएंगे आपको अभी हमारी मेडिसिन से कितने परसेंट तक आराम हो गया है? आराम तो 80-90% पूरा आराम है, लेकिन सर एक स्टूल है ना। जी जी, हल्का तो साफ नहीं हो रहा। सर आप कंफर्टेबल हो तो बता पाएंगे, दवा लेने से पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी बहुत थी सर, प्रॉब्लम तो बहुत, कंडीशन अलग थी। बहुत ज्यादा तो प्रॉब्लम थी पहले आपको? भयंकर प्रॉब्लम थी सर। और दवा लेने के बाद आप कितना दवा लेने के बाद तो पूरा आराम है सर। हमें हल्की से वो प्रॉब्लम बची है। हाँ, एक लास्ट प्रॉब्लम वो बची आ रही है, वो भी सर डॉक्टर साहब से बात करके वो भी। जी जी सर, उसमें भी सर आपको आराम ही मिल जाएगा। हाँ सर, हमारी मेडिसिन से कोई आपको साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ था सर? नहीं, साइड इफेक्ट कोई बात नहीं है सर। ठीक है सर, अगर सर फ्यूचर में प्रॉब्लम होती तो सर आप हमसे बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सर। यदि आपको गैस बनने की शिकायत है, आपका सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता है, खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, आपको लेटिन करते समय ब्लड आता है, लेटिन के रास्ते में खुजली जलन की समस्या है, लेटिन के रास्ते में मस्से बन गए हैं, किसी भी तरीके की कोई छोटी या बड़ी फुंसी बन गई है जिसका आपने कई जगह इलाज कराया है लेकिन कोई विधिवत समाधान नहीं मिला, पेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की आपको कोई तकलीफ है, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।